नमस्कार, प्रस्तुत है सनशाइन क्लास 3 के चैप्टर एंड्रुकल्स एंड द लायन के क्वेश्चंस एंड आंसर्स। लेट्स रीड एंड फाइंड आउट, पढ़ें और खोजें। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु वाज एंड्रुकल्स, यानी एंड्रुकल्स कौन था? तो इसका आंसर है, एंड्रुकल्स वाज अ रोमन स्लेव। एंड्रुकल्स एक रोम का गुलाम था। स्लेव मींस गुलाम। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई वाज द लायन इन पेन। शेर क्यों दर्द में था, उसको दर्द क्यों हो रहा था? बिकॉज अ थॉर्न वाज स्टक इन हिज पॉ। क्योंकि, बिकॉज मीन्स क्योंकि, एक कांटा उसके पंजे में फंस गया या था या सट गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई वाज एंड्रुकल्स पनिस्ड। एंड्रुकल्स को सजा क्यों दी गई? एंड्रुकल्स वाज पनिस्ड फॉर स्केपिंग। भागने के कारण एंड्रुकल्स को सजा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डिड द लायन डू इन द रिंग। उस रिंग में, यानी वो जो बाड़ा था शेर का, उसमें उस शेर ने क्या किया? द लायन बेंट डाउन लो एंड स्टार्टेड लिकिंग एंड्रुकल्स फीट। वह शेर जो था वो नीचे झुक गया, लो मीन्स नीचे, और एंड्रुकल्स के पैरों को चाटने लगा। लिकिंग मीन्स चाटने लगा। अब आगे देखते हैं, लेट्स टॉक, आइए बातें करते हैं। द टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल्स। डोमेस्टिक और वाइल्ड, यानी जंगली जानवरों के बीच जो अंतर है उसके बारे में हम लोग बातें करें। इसके बाद है, लेट्स कंप्लीट द ग्रिड। एक ग्रिड दिया गया है जिसको कंप्लीट करना है, और इसमें एक क्रॉस और ये डाउन। अक्रॉस मीन्स ऐसे चलेंगे और डाउन मीन्स ऊपर से नीचे। तो पहला है, इसमें हम लोग ऐसा करेंगे, पहले यहां लिख लेंगे, उसके बाद चेक करेंगे वहां पर भर के कि क्या वो सही हो रहा है या नहीं। आई गिव ऊल, मैं ऊन देता हूं। तो बताइए, तो कौन ऊन देता है? शिप, भेड़, है ना। आई ले एग्स, मैं अंडे देता हूं। अंडे कौन देते हैं? हेन, यानी मुर्गी। आई गिव मिल्क, मैं दूध देती हूं या देता हूं, जो भी कहें। यहां तो पता नहीं चल रहा है कि ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। तो आई गिव यू मिल्क, कौन दूध, मैं दूध देती हूं। चलिए ठीक है, कौन दूध देती है? आप जानते हैं, काऊ। आई एम मैंस बेस्ट फ्रेंड, मैं मनुष्य का सबसे अच्छा फ्रेंड हूं। कौन होता है? ये हम लोग जानते हैं, हम लोग डॉग को मानते हैं सबसे अच्छा फ्रेंड, कुत्ते को। आई ब्लीट, मैं ब्लीट, ये पांचवा वाला। आई ग्रंट, ये ग्रंट वाला जो ध्वनि है ना, आवाज है, ये होती है पिग की, यानी सुअर की। आई ब्लीट, ये ब्लीट यानी आप सुनते हैं ये ध्वनि, ये गोट का होता है, यानी बकरी का, तो धीरे धीरे आवाज करती है ना, मे करती है, उसको ब्लीट कहते हैं। और जो सुअर जो आवाज निकालता है उसको ग्रंट कहते हैं, इसे आप याद रखेंगे। तो आइए इस ग्रिड को हम जैसे भरते हैं। पहला में हमने देखिए शिप है, पहले से भर दिया है मैंने शिप, ये हमने लिखा। टू में हेन होगा, देखिए HEN, ये डाउन गया। उसके बाद तीसरा जो है ये एक क्रॉस है, तीसरा एक क्रॉस है, देखिए कहां पर है तीसरा, ये काऊ।
चौथा फिर डाउन है, डी ओ जी डॉग। पांचवा ये भी डाउन है, पिग, पी आई जी पिग। और छठा एक क्रॉस है, गोट, जी ओ ए टी गोट, गोट मीन्स बकरी। अब है लेट्स चूज एंड राइट वर्ड्स इन द राइट कॉलम, इसमें से चुने और सही शब्दों को सही कॉलम में डालें। वन इज डन फॉर यू, एक आपके लिए कर दिया गया है। और ये जो कॉलम बना है वो है डोमेस्टिक एनिमल्स एंड वाइल्ड एनिमल्स, तो यहां से चुनते जाना है और लिखते जाना है। ये काम आप करेंगे, मैं बता देता हूं। लाइन, लाइन यहां है वाइल्ड में, डॉग डोमेस्टिक, एलिफेंट कहां जाएगा, जंगली जानवर है वाइल्ड में जाएगा। बियर यानी भालू, ये कहां जाएगा, ये जंगली जानवर में जाएगा। गोट बकरी डोमेस्टिक में जाएगा। कैट बिल्ली, ये भी डोमेस्टिक में है। टाइगर यानी बाघ, तो ये वाइल्ड में जाएगा। फॉक्स यानी लोमड़ी, ये भी वाइल्ड में जाएगा। काऊ तो हम पालते हैं, ये डोमेस्टिक में जाएगा। पिग ये भी पाला जाता है, ये भी डोमेस्टिक में जाएगा। तो डोमेस्टिक एनिमल्स मीन्स पालतू जानवर और वाइल्ड एनिमल्स मीन्स जंगली जानवर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आप खुद से लिख लेंगे। अब है लेट्स मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी, ये मैचिंग कराना है, बहुत ही आसान है। हेन यानी मुर्गी, तो मुर्गी क्या देती है, मुर्गी देती है अंडे। शीप यानी भेड़, ये क्या देता है, ऊल, ऊन। काउ गाय, ये क्या देती है, मिल्क। गोट बकरी, इससे हमको क्या मिलता है, मीट मिलता है। अब है इसके बाद नेक्स्ट, लेट्स रीड अलाउड, जोर जोर से पढ़िए, थोड़े आवाज निकाल के, है ना। तो मैं पढ़ता हूं इसको बार बार, आप पढ़ के प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं एक बार पढ़ रहा हूं, इट इज अ डक, इट इज अ डक, इट इज अ ट्रक, इट इज अ ट्रक। अ डक ड्राइविंग अ ट्रक डूइंग क्वैक क्वैक। फिर से ये सेंटेंस, अ डक ड्राइविंग अ ट्रक डूइंग क्वैक क्वैक। चलिए ठीक, बड़ा शानदार था ये। अब आगे का एक क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लेट्स लर्न विथ फंक्शंस, ये फंक्शन से ये सीखना है, ये ग्रामर पोर्शन है। नंबर्स, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। नंबर दो तरह के होते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग वचन कहते हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। अभी क्या होता है, चलिए आगे इसका डेफिनेशन दिया हुआ है। सम नाउन्स कैन बी काउंटेड, कुछ जो नाउन होते हैं, संज्ञा होते हैं, उनकी गिनती की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए, वी कैन से वन गर्ल, टू गर्ल्स और वन बॉय, 10 बॉयज। हम लोग कह सकते हैं एक लड़की, दो लड़की या एक लड़का, 10 लड़के। सच नाउन्स आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स, इस तरह के जो नाउन्स हैं इनको हम लोग काउंटेबल नाउन्स कह सकते हैं। क्यों ऐसा कहते हैं, क्योंकि इनकी गिनती हम लोग कर सकते हैं। सम नाउन्स कैन नॉट बी काउंटेड, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनकी गिनती हम लोग नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए, वी कैन नॉट से वन वाटर, टू ऑयल्स और 5 riches, राइसेस। हम लोग ऐसा नहीं कह सकते हैं कि एक पानी, ऐसा कह सकते हैं क्या, एक पानी, दो तेल, 5 चावल, ऐसा नहीं कर सकते। सच नाउन्स आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स, ऐसे जो नाउन्स होते हैं इनको हम लोग कहते हैं अनकाउंटेबल
नाउन्स। लेट्स राइट सी फॉर काउंटेबल नाउन्स एंड यू फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स इन गिवन बॉक्सेस। दिए गए बॉक्सेस में सी या यू भरना है, और सी भरेंगे काउंटेबल नाउन्स के लिए, यू भरेंगे अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए, यानी जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है। ए में है बैट, तो बैट हम तो गिन सकते हैं ना, एक बैट, दो बैट, वन बैट, टू बैट, इस तरह से, तो ये हो जाएगा सी। बॉय, इसे भी गिनती कर सकते हैं। वाटर, इसकी गिनती कर सकते हैं क्या? नहीं, तो ये अनकाउंटेबल। गर्ल, इसकी भी गिनती हो सकती है, ये सी। मिल्क, इसकी गिनती नहीं हो सकती है, अनकाउंटेबल। डॉग, ये सी। राइस, इसकी गिनती नहीं कर सकते हैं, तो ये अनकाउंटेबल। स्कूल, तो स्कूल की तो गिनती कर सकते हैं ना, एक स्कूल, दो स्कूल, ऐसा तो हो सकता है, तो ये हो जाएगा हमारा काउंटेबल में। अब नेक्स्ट है, लेट्स कंबाइन एंड राइट। देखिए ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम में तो सभी में एक ही है, थर्ड कॉलम में एक में ए दिया हुआ है और एक जो बॉक्स है यहां कुछ नहीं है, और यहां पर जो फोर्थ कॉलम है, यहां पर देखिए जो ऊपर में दिया गया है ये सारे काउंटेबल है, पेन, बुक, टेबल, डॉग, पेंसिल, काउंटेबल है। लेकिन नीचे वाला जो है वाटर, टी, कॉफी, राइस, सुगर, सुगर यानी चीनी, ये सब अनकाउंटेबल है। तो जो हमारा सेंटेंस बनेगा वो ऐसा बनेगा, इट इज अ पेन, है ना, और फिर इससे अगर बनेगा तो इट इज वाटर। तो यह डिफरेंस क्या दिख रहे हैं कि जो काउंटेबल है वहां ए लग रहा है, लेकिन जो अनकाउंटेबल है वहां ए नहीं लग रहा है। इट इज टी, इट इज कॉफी, यह ऐसा होगा। एक एग्जांपल भी यहां दिया हुआ है, इट इज वाटर। अब इससे हमें सेंटेंस बनाना है। ये शुरू का जो दिया हुआ है, ये लाइन बना हुआ है, इसमें हम काउंटेबल वाला बनाएंगे, इट इज अ डॉग, इट इज है, जितना भी बन सकता है, और इधर हम लोग बनाएंगे अनकाउंटेबल वाला, ठीक है ना। चलिए ये आप खुद से कर लेंगे। लेट्स ट्राई मेक अकोलास एंड डोमेस्टिक, सॉरी, मेक अकोलास ऑफ डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल्स। ये पालतू और जंगली जानवरों का एक कोलाज बनाना है। ये कोलाज का मतलब होता है कि कहीं से पुरानी किताबों, पेपर इत्यादि से हमें पालतू और जंगली जानवरों के चित्रों को काटना है और किसी एक पेपर पर उनको चिपकाना है, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चंस और आंसर। इसके बाद राइटिंग भी है इसमें, है ना, कर्सिव राइटिंग। तो ये इसे तो आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। लेट्स प्रैक्टाइज यानी प्रैक्टिस करें, चलिए प्रैक्टिस करें। लेट्स ट्राई टू राइट इन कर्सिव हैंड राइटिंग, कर्सिव हैंड राइटिंग में लिखने की कोशिश करें। तो ये जैसे लिखा हुआ है उसी तरह से हमको लिखना है। और भी है इसमें, कर्सिव राइटिंग है, तो ये आप खुद से करेंगे। धन्यवाद।